नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा रेलवे स्टेशन के पास का पाटिलवाड़ा इलाका, जहाँ लोग भूख से परेशान है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोगों की हालत दयनीय हो गई है। लोगों के पास पैसे भी नहीं है कि कम से कम बच्चों को दूध ही लाकर पिला दे। मुमरा रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। ये हैदराबाद के लोग हैं। इनका कहना है कि 21 दिन का लॉकडाउन तो जैसे तैसे कट गया, मगर अब लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई तक है। बच्चे खाना मांगते हैं, कहां से लाकर दे। सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है और स्थानीय नेताओं से भी मदद मांग मांग कर थक चुके हैं, मगर किसी नेता ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है। कभी इनके घर चूल्हा जलता है तो कभी इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए सभी प्रशासनिक अमला सामने आ रहे हैं, मगर इस लॉकडाउन में जो लोग भूखे सो रहे हैं, जिनके बच्चे भूखे रो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उनके लिए सरकार कब आगे आएंगी? कब उन्हें राशन मुहैया करवाया जाएगा? या फिर अब सिर्फ टीवी पर आकर ही बोल देना कि गरीबों के लिए राशन पहुंचाया जा रहा है? क्या बस यही जिम्मेदारी है सरकार की? आखिर इन गरीबों के पास कब राशन पहुंचाया जाएगा? ये कब तक भूखे रहेंगे? रोज शहर में कमाते हैं, रोज शहर के नाकों पर काम की तलाश में जाते थे और वही काम कर पैसे से अपना जीवन व्यतीत करते थे, मगर लॉकडाउन ने इन्हें भूखे रहने पर मजबूर कर दिया है। ये गरीब मजदूर है जो भूखे ही सो रहे हैं। इस लॉकडाउन में भूखे पेट सोने को मजबूर कर दिया है। आखिर कब इन लोगों तक सरकार मदद पहुंचाएगी? अब समझ, मेरे घर में 4 आदमी है और एक पोटली देके जा रहा है, तो 4 आदमी कैसे खाएंगे उसमें? और एक टाइम का खाना दिया जा रहा है, वो भी बाहर स्टेशन पे जाके लेके आओ। कोई आधा खाना लाता है, एक है, मतलब 500 झोपड़ी है, उसमें से 50 पोटली लाएगा तो 25 में बांट जा रहे हैं, तो बाकी 75 तो ऐसे ही भूखे पड़े हैं ना। उसके वजह से अभी हम किसको फरियाद करें? अभी 3 बार तो रोड पे निकल के बाहर आ गए। सरकार ने अनाउंस की थी 15 तारीख को लॉकडाउन खोल देंगे, तो हमारे अंदर उम्मीदें थी, एकदम जाग उठी थी। अब जैसे अभी 30 तारीख के बाद में महीना पूरा बढ़ा ही दिया, तो पूरी उम्मीदें खत्म हो गई। अभी सरकार को क्या करना है कि पूरा प्रेशर गरीब पे डालना है कि गरीब की प्रेशर के सरकार पे डालना है, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रही। क्या हमने गए थे क्या विदेश में बीमारी लाने के लिए? हम गए थे क्या? सरकार ने अनाउंस कर रही है कि घर से बाहर मत निकलो, तो हमने थोड़ी गए थे घर से बाहर बीमारी लाने के लिए? तुम्हारी हर बात की पालन करते आ रहे हमने, घर में बैठे ले हमने आपकी सरकार की बात भार पालन, मतलब आपकी रेखा पार की नहीं हमने। आपने अलाउंस कर रहे, जैसे गरीब चल रही है आपके बराबर, सरकार के बराबर गरीब चल रही है, तो गरीब का भी कुछ हाथ है ना कि उनका भी कुछ पालन करे। ऐसा नहीं कि हम सरकार की पालन रेखा पार करके जा रहे और हम खा रहे, न तो हमको रेखा पार करने दो ना। क्या हम सोने का मेल थोड़ी मांग रहे हैं सरकार से? हम लोग को खाना तो ही दो, खाना नहीं मांगता, राशन तो ही दो, नहीं तो हम लोग का हैदराबाद का हमको जाने के लिए रास्ता दो। हम लोग को इतना दिन से कुछ नहीं है इधर, जैसा हम लोग का घर में हमारा आदमी लोग, हम लोग सब घर में बैठे ले हाँ, काम करके खाने वाला है। हम लोग मजूरी काम करके, मजूरी नहीं, हम लोग को किधर भी जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं है। हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे? हाँ, अब बोलो सरकार से, हम लोग घर में बैठने का तो घर में बैठ रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे? हाँ, इससे स्टेशन पे ऊपर जाएगा तो डंडा लेके मारता है, और किधर जाने का? ये बच्चा लोग को किधर से लाके खाना देने का? हम लोग को, वो लोग बच्चा दूध पिलाएगा तो वो लोग को खाने के लिए तो दूध पिलाएंगे वो लोग, नहीं तो नहीं है, एक रुपए भी नहीं है, कमा के खाने वाला है हम लोग। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।